ये स्लॉटर हाउस का जी वेस्ट है, इंटेस्टाइन्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स और स्मॉल छोटी आंतड़ियां हैं। इसमें मैगट्स पैदा होते हैं, ये हम फिश मील के लिए इनको करेंगे यूज़। आज ये फर्स्ट टाइम जा रही हैं, तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। हमारी कोशिश है कि जो स्लॉटर हाउस का वेस्ट है उसमें ब्लड है और ये आंतड़ियाँ वगैरह हैं, इनको किस तरह यूज़ किया जाए ताकि गंदगी और ये गलाजतें कम से कम हो। ये आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये स्लॉटर हाउस के बाहर बहुत ज़्यादा पानी पड़ा हुआ है। ये सीवरेज का पानी है जो शहर से आता है, और ये इंटेस्टाइन से जो मवाद निकलता है जिसको इंजेस्टा कहते हैं, ये वो पड़ा हुआ है। यहाँ पे मक्खियाँ काफ़ी हैं, ब्लैक फ्लाइज की काफ़ी बड़ी तादाद है जो यहाँ पे मैगट्स देती हैं। ये मैगट्स तीतर वगैरह या मुर्गियों को प्रोटीन सोर्स के तौर पे खिलाया जाता है। अभी हमारी ये कोशिश है कि इसका एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए ताकि इसे गलाजत से छुटकारा हासिल किया जाए और इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो हमारे सिटी के लोगों को फ़ायदा हो और आलूदगी से और गंदगी से निजात हो। ये अभी हम कुछ सिस्टम बना रहे हैं पानी के हवाले से भी कि यहाँ पे प्रॉपर जो पानी की डंपिंग है उसको किस तरह किया जाए। यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कुआं तो बनाया गया है, मगर वहाँ पे क्योंकि पानी के अखराज का कोई अमल नहीं है, ये ओपनली हम इसको फेंक रहे हैं। अभी मेरी कुछ फार्मर्स से बात भी हुई है कि इस पानी को हम फसलों में इस्तेमाल करें तो इसमें प्रोटीन और दूसरे जो गजाई ब्लड है, ब्लड की वजह से काफ़ी गजाई अज्जा मौजूद हैं जो कि ज़मीन के लिए उनकी उसकी ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ हम ओपनली फेंक रहे हैं इसको, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तरक्की याफ्ता ममालिक में इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि हमारा एक और आइडिया है कि ये इसमें जो इंजेस्टा या आंतड़ियों से ये मवाद निकलता है, इसमें छोटे छोटे मैगट्स होते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। बैरूनी दुनिया में तो इसको मैगट या इंसेक्ट्स का एक सिस्टम है, ये पैदा किए जाते हैं, इनकी हैचरियाँ बनी हुई हैं और इसको ड्राई करके प्रोटीन के तौर पर खुराक में इस्तेमाल किया जाता है। मगर हमारे यहाँ ये इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, ये हमारे जो तीतर पालने वाले या मुर्गियाँ पालने वाले हजरात हैं वो ले जाते हैं। ये फतेहपुर के स्लॉटर हाउस में तकरीबन डेली 17 से 18 जानवर जो है ना वो स्लॉटर होते हैं, उनके जो आलाइशें हैं उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। इसका एक सिस्टम बना रहे हैं, आप भी दुआ करें।